नेक्स्ट वीडियो भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सीरियसली में बोर्ड एग्जाम में बहुत बढ़िया मार्क्स लेना चाहते हो, मोर देन 98% या बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैंने आपको बोला आपके टाइम से ज्यादा वैल्यूएबल कोई भी चीज नहीं है। अगर आपका टाइम ले रहे हैं तो वैल्यू दे के ही जाएंगे। क्लियर? अब ये 10 ऐसे प्रो टिप्स हैं जिनको हर एक को आपने नोट डाउन करना है और फॉलो करना है, बिकॉज ये लास्ट मंथ है ना, लास्ट मंथ भी नहीं कह सकते कि हम 20-22 डेज है, इसमें आपको बढ़िया से बढ़िया एक प्लान से चलना है और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्लियर? करते हैं स्टार्ट। पहला पॉइंट, अब आपने क्या करना है, कम से कम डेली कुछ ना कुछ टास्क रखना है आपको। भाई हाँ, मुझे कल को ये मैथ्स का चैप्टर, ये साइंस का चैप्टर, ये एसएसटी का, या इतना पोर्शन, ये तो मुझे करना ही करना है। थोड़ा सा नेक्स्ट डे का प्लान कर लो और उस टास्क को कंप्लीट करना ही करना है। वो बोलते हैं ना कि किसी गोल की तरफ पहुंचना है तो उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और उस टास्क को कंप्लीट करते जाओ, गोल हो ही जाएगा। उसी तरह से आपको क्या करना है, डेली के टास्क बनाने हैं और डेली के टास्क को कंप्लीट करना है। और उस टास्क में और आपको क्या होगा कि आप इमोशनली भी वो होंगे और आप थकोगे भी, उसके लिए भी सारे टिप्स है, मैं आगे बताता हूं आपको। सेकंड थिंग है, अब हम एग्जाम देने जा रहे हैं, अब कोई भी एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड का हो, एक छोटा सा हम प्लान बनाते हैं भाई, सबसे पहले हमें कौन सा सेक्शन उठाना है। अब ये कोई वो नहीं है कि छोटे बच्चों की तरह भी हाँ पहले ए ही करना है, फिर बी करना है, फिर सी करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट की अपनी अपनी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करो कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है। बिकॉज गुड स्टार्ट इज अ हाफ डन, गुड स्टार्ट इज हाफ डन, यानी अगर आपने अच्छा स्टार्ट कर लिया है तो आपका आधा काम हो चुका है। अगर आपकी स्टार्टिंग गड़बड़ आ गई है और आपको नर्वसनेस होगी, पेपर खराब होगा, तो फिर खराब हो गया तो अगले भी खराब होंगे। तो घर में खुशी खुशी आना है, इसीलिए ये प्रो टिप्स जरूर फॉलो करने हैं। अपना सेक्शन को प्लान करो, टाइम मैनेजमेंट करो कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। अगर इसमें भी कोई डाउट हो रहा है, मैं आप पे छोड़ रहा हूं ये, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है, फिर भी कोई डाउट हो रहा है कमेंट करिएगा। इस पे स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगा कि सेक्शन कौन सा करना है, कितना टाइम देना है। बस चाहिए तो क्या आपका सपोर्ट, बस फिर लगे ही रहेंगे। अगर आपका सपोर्ट होगा, मोटिवेशन बनी रहेगी। नेक्स्ट टिप पे चलते हैं। ये मैंने आपको बोला था, स्ट्रेटजी में भी बोला था, बट यहां प्रो टिप्स में भी बोल रहा हूं मैं आपको कि कम से कम एटलीस्ट 2 टेस्ट तो आप एग्जाम से पहले दो, और देने का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसको रिव्यू नहीं करते हो। उसको रिव्यू करो प्रॉपर, जैसे एग्जाम में होता है उसी तरह से बैठो, उसी तरह से दो, जो जो भी आप पेन कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, कौन सा सेक्शन पहला करना चाहते हो, वो चीज पूरी एनालिसिस कर दो। पहले में करो फिर क्या मिस्टेक हुई, फिर दूसरे में करो, और फिर अपना बोर्ड का पेपर बढ़िया खुशी खुशी वापिस आना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑफिशियल जो आपका सैंपल पेपर, ऑफिशियल जो भी आता है, ऑफिशियल एक तरह से ये होता है कि आपको ये बोलता है भी इस तरह का लेवल रहेगा, इन क्वेश्चंस की इतनी रेशो रहेगी, तो ऑफिशियली जो भी आता है उसको छोड़ना नहीं है। ऑफिशियल सैंपल पेपर की बात करें तो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों पढ़े हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। फिर आती है ऑफिशियल केस स्टडी आती है, केस स्टडी को घबराना नहीं है, इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करना कि हाँ कैसे, हाउ टू फेस केस स्टडी इन ए इजी वे। क्लियर? केस स्टडी का भी सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये सबसे पहले होना चाहिए, बट जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट है। बिना गोल के कुछ नहीं मिलता, मान लिया अब सेट गोल, कोई ना कोई गोल तो सेट करो, तभी तो पहुंचने का मजा आएगा। हाँ भाई 90 लेने हैं, 95 लेने हैं, 98 लेने हैं, उसको सेट करो और फिर उसके पीछे भागो। पीछे कैसे भागेंगे, आप अगर डेली के टास्क कंप्लीट करोगे, डेली टास्क अगर आपके कंप्लीट होंगे तभी ये गोल अचीव हो पाएगा। डेली के टास्क, डेली की हैबिट आपकी मैच नहीं कर रही है तो ये टास्क कैसे कंप्लीट होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट भाई,
अब सिंपल सी बात है, अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको काम करना है, तो अपने आप को तो ढंग से रखना पड़ेगा, अपने आप में एनर्जी बना के रखनी पड़ेगी। आपका काम करने का दिल है बट आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो उस एनर्जी को कैसे बनाए? एनर्जी को कमाया भी जा सकता है और एनर्जी को बचाना भी है। कमाना कैसे है? अरे मैंने क्या बोला है, हर डेली हर दिन को प्लान करना है। तो कमाना कैसे है? डेली आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, कम से कम 15 to 20 मिनट की एक्सरसाइज तो डेली करनी ही करनी है, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी सारा दिन आपको पढ़ने में, आपके काम करने में हेल्प करेगी। और फिर एनर्जी बचानी कैसे है? सुबह उठते ही क्या होता है कि ये नहीं अब आपने एक्सरसाइज कर ली, बट जो एनर्जी मिली है, जो आपने डाइट ली, ब्रेकफास्ट लिया, अब उसको अपनी पढ़ाई करो। ये नहीं कि फालतू गेम में या फालतू की चीजों में उसको वेस्ट कर दो। फ्रेश माइंड से अपने बॉडी को फिट रखो, अच्छी डाइट लो, क्योंकि ये जो टाइम है, ये 1 month है, ये आपको और जो आपके 1 month आपका एग्जाम है, यानी नियर अबाउट 1.5 or 2 month का जो ये पीरियड है, एग्जाम से पहले और एग्जाम के दिनों में अपने आप को सेट रखना है। तो एनर्जी को अर्न भी करना है और एनर्जी को सेव भी रखना है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन तो बहुत ही, मतलब सीबीएसई की बात करें, मैं खुद सीबीएसई में एग्जाम में कॉपी चेक करके आ चुका हूं, किस तरह से एग्जाम में कॉपी चेक होती है। भाई वो जो एग्जामिनर है ना, आपके तंग हुए होते हैं पहले ही, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पेपर होते हैं और उनको चेक करने होते हैं और शाम तक रिपोर्ट देनी होती है भाई हाँ हमारे इतने चेक हो चुके हैं। तो उनको तंग आपने नहीं करना, आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन कि एग्जामिनर को हर एक स्टेप साफ साफ दिखे और बस वो चेक करता जाए और आपको मार्क्स मिल जाए। मतलब आपको उसको तंग नहीं करना है कि उसको ढूंढना पड़े, उसको ढूंढना पड़ेगा वो तो पहले ही तंग हुआ बैठा है, उसको तंग नहीं करना। अगर ढूंढना पड़ गया तो आपके मार्क्स खत्म हो जाएंगे, आपको ढूंढने पड़ जाएंगे, आपको मिस्टेक ढूंढनी पड़ जाएगी। तो मेन बात है अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा रखो, जो सेक्शन सबसे बढ़िया सबसे पहले आता है उसको स्टार्ट करो, एंड नीट एंड क्लीन। मैं पहले ही बोलता हूं गुड स्टार्ट इज अ हाफ डन। क्लियर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। अब आपने जब टॉप करने की सोच ही ली है, आपने टॉप करना ही है, तो गेट एक्सपीरियंस फ्रॉम योर सीनियर और फ्रॉम योर टीचर्स। क्योंकि पता क्या, कोई भी चीज आप कर रहे हो, आप करोगे, आप करके सीखोगे, बट जो आपके सीनियर्स हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं, उनसे एक्सपीरियंस लो, उनसे एक्सपीरियंस लोगे देखना आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, और क्या पता वो क्या बात बता दे जो वाकई में आपको हेल्प कर सकती है आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने में, टॉप करने में। तो अपने सीनियर से कुछ एक्सपीरियंस लो, कुछ टिप्स लो, और अपने टीचर्स के टच में रहो, वो क्या क्या बोलते हैं, आप जिसको फॉलो करते हैं, और हमें भी आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी डाउट हो, चाहे हम ऑनलाइन बैठे, बट आप कमेंट तो करोगे, ट्राई करेंगे आपकी उसी की टाइम ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो और वीडियो बनाई जाए। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तैयारी पेपर से पहले ही कर लो। मैंने आपको बोला है जो भी बोर्ड के एग्जाम में आपको टाइम पीरियड मिलेगा, उस टाइम पीरियड में ये मत सोचना कि उस टाइम पीरियड में आपको तैयारी करनी है, उस तैयारी तो आपकी पहले हो चुकी है, ये दिन चल रहे हैं आपके तैयारी करने में। इन दिनों में कई राक्षस आपको बुलाने आएंगे, बट इन दिनों में आपको तैयारी, अपनी प्रिपरेशन रखनी है। उन जो बोर्ड एग्जाम के बीच में जो टाइम मिलेगा, उसमें तो सिर्फ आपको रिवीजन करके बढ़िया कॉन्फिडेंस से जाना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं, ताकि पेपर से बाहर आके अगर हम आपसे पूछने आए, हम आपसे पूछने आएंगे बीइंग अ यूट्यूबर, हम आएंगे पूछने आपसे, ठीक है, तो पेपर कैसा हुआ, तो आप बताएंगे बहुत बढ़िया पेपर हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर खराब हुआ, पेपर बढ़िया उनका होगा जो इस टाइम को यूज कर रहे हैं, जो जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं वो तो घर में बैठे तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, समझ आ रहा है? और तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, ऑल द बेस्ट। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीजी फाउंडेशन है चैनल, टेलीग्राम चैनल, उसको फॉलो कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, और वहां पर इंपॉर्टेंट मैथ साइंस के नोट्स आपको मिलेंगे, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।